बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाज़रीन ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपकी ख़िदमत में अल्लाह पाक के दो नामों का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह पाक के ये दो नाम जो हैं, इनको पढ़कर इसका मौज़ा आप ख़ुद देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी बड़ी मौली परेशानी होगी वो हल हो जाएगी। ख़वातीन व हज़रात, आजकल के इस दौर में हर किसी को पैसों की अशद ज़रूरत होती है। कोई ना कोई काम जो है वो अचानक आ जाता है और पैसों की उसके लिए ज़रूरत होती है, लेकिन इतने वसाइल नहीं होते हैं कि हम अपनी उस ज़रूरत को पूरा कर सकें। लेकिन अगर हम अपनी उस परेशानी को वज़ाइफ के ज़रिए, नेक अमाल के ज़रिए अल्लाह पाक से अगर हम मदद तलब कर लेते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन जो है वो हमारी किस्मत को बदल देंगे और जो मौली परेशानी जिनका आपको सामना करना पड़ा है वो इंशाअल्लाह तआला अल्लाह पाक की गैबी मदद से फौरन हल हो जाएगी। तो आज का ये जो वजीफ़ा है, ये ख़ास अमल हमारे एक भाई ने किया, उस भाई ने हमें जो है वो हमारे साथ शेयर किया कि हम अपनी अपने इस चैनल में इस वीडियो को जो है आप तक पहुंचाएं, ताकि अगर आप भी किसी परेशानी में मुबतला हैं, कोई भी मौली मसला जिसका आपको सामना करना पड़ा है, तो इस अमल को करने से आपकी परेशानी जो है वो हल हो जाए। उन हमारे भाई का ये कहना था कि ये वजीफ़ा उन्होंने सिर्फ 3 दिन किया, 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो 2 लाख रुपए का इंतज़ाम हो गया। अल्लाह तबारक व तआला के ये जो दो नाम जिनका वजीफ़ा आपने करना, ये इतने मुजर्रब हैं कि अपनी किसी भी परेशानी को हल करने के लिए अगर आप इन दो नामों का विर्द करते हैं, तो फौरन अल्लाह पाक की गैबी मदद जो है वो आपको अता होगी। तो आपने करना ये है कि सिर्फ 3 दिन आपने ये वजीफ़ा करना है, आपने अल्लाह तबारक व तआला के दो नाम, या रहमानु या रहीम, या रहमानु ए बेपना रहमतें बरसाने वाली ज़ात, या रहीमु ए गफ़ूरु रहीम ज़ात, ए माफ़ करने वाली ज़ात, आपने अल्लाह पाक को इन दो नामों से पुकारना है। और वजीफ़ा आपने जो है असर की नमाज की बात करना है। नमाज असर के बाद का जो वक़्त होता है वो कबूलत का वक़्त होता है, क्योंकि हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असर के बाद जो है आपका जो वक़्त होता है, सूरज ग़ुरूब होने से पहले पहले ये कबूलत का वक़्त होता है, इस वक्त अल्लाह पाक से कुछ भी मांगा जाए वो फौरन मिल जाता है। तो आपने अल्लाह पाक की जो दो नाम है इनका विर्द आपने करना है। जैसे ही आप नमाज असर जो है वो पढ़ लें, नमाज असर पढ़ने के बाद से लेकर सूरज ग़ुरूब होने तक, जब तक कि नमाज मगरिब का टाइम करीब नहीं आता है, तब तक आपने अल्लाह पाक के दो नाम, या रहमानु या रहीमु, इन दो नामों का विर्द आपने करना है। आप इस वजीफे को एक मखसूस जगह पर बैठकर, जाए नमाज पर बैठकर भी कर सकते हैं, या अगर आपको कोई काम है तो आप चलते फिरते भी ये अमल कर सकते हैं। बस ये करना है कि आपकी ज़बान पर ये अल्लाह पाक के जो दो नाम हैं इनका वीड जो है वो मुसलसल होना चाहिए, और आपके जहन में जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपका मसला है, उसका तस्वुर होना चाहिए, और कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की बारगाह पर यकीन रखकर आपने ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ताला जल्दी ही आपका मसला हल हो जाएगा। ये ख़ास अमल जो है इसको ख़ुद भी कीजिए और इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकअल्लाह।